Hello everyone. So today we have Pramod Singh with us. Pramod scored 101 marks in 3-year law CET out of 150 marks. So Pramod done his graduation in management and post-graduation in sociology, and now he's going to pursue LLB. LLB from Nawalmal Firodia Law College. It's also called Ferguson's Law College. So हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में कि इनके कोर्स के पीछे, इनकी सक्सेस के पीछे क्या राज है, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करी थी. सो वेलकम प्रमोद. सो प्रमोद, आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आपकी स्ट्रेटजी जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रही है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी थी, कब आपने स्टार्ट करा था एग्जाम के लिए, कैसी आपकी अप्रोच रही है, ये आप शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग माय स्ट्रेटजी. सर बेसिकली जो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी ना सर, वो तीन पिलर्स पे खड़ी थी. पहला था रीड, रिवाइज और प्रैक्टिस. सर तो बेसिकली सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मतलब कि मैं बार बार बुक्स के पास जा नहीं सकता रीड करने बार बार. तो मैंने कैसे सर हैंडी नोट्स बना लिए थे मेरे ऐसे सर. तो इस वाले फॉर्म में मतलब मैं नोट्स बना के मेरे काफी ईजी हो जाता था रिवाइज करने के लिए वो चीज. तो दो तीन बार रीडिंग दे दी, फिर बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लिए तो उसके मैं नोट्स बना के साइड में, सॉरी इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल लिए उसके नोट्स बना के मैं साइड में रख देता था इस वाले इसमें. तो मैंने सर ऐसे अवार्ड्स के, डेज के, डेट्स के, आर्टिकल्स के, ऐसे काफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट्स है वो टर्म्स के काफी मैंने नोट्स बना के रखे थे. तो वो चीज ने मुझे काफी हेल्प किया था एग्जाम में. ओके, सो पर्टिकुलरली एक सेक्शन जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता था, दैट इज जीके सेक्शन. तो इस जीके सेक्शन का पर्टिकुलरली अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके प्रमोद ने यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई है, उसके नोट्स बना लिए थे. एंड हिज थ्री पिलर्स लाइक रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस. वी ऑल नो कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे हम, और जितने और हमने दूसरे सेशंस में देखा कि प्रैक्टिस इंसान को और ज्यादा परफेक्ट ही बनाता है और सक्सेस के पास में ले जाता है. सो इसके साथ में एक और जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कशन में रही, दैट वॉज दैट 2 आवर्स का एग्जाम का एक्सपीरियंस. सो हाउ वॉज योर 2 आवर्स का एग्जाम का एक्सपीरियंस? How you coped up with that particular situation? Can you please share from it? Sure, sir. Sir, basically ऐसा हुआ था कि जैसे ऐसा होता ना सर, एक बॉक्सर है खबीब नाम है उनका. तो उनका ऐसा सेइंग है कि जो डे होता है ना, डी डे जिस दिन आप प्रैक्टिस करते हो या कोई एथलीट या एग्जाम का दिन होता है, उसका जो रिजल्ट है ना वो उसके प्रैक्टिस के डेज में डिसाइड हो जाता कि क्या होगा, उसके फेवर में होगा कि उसके नहीं होगा. तो सर बेसिकली ना वो डे तो ठीक था सर, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस हुआ था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो टेस्ट सीरीज जो मैंने सॉल्व किए थे तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था एग्जाम के दिन, क्योंकि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे ना जो मैंने नहीं पढ़े थे. जैसे कि एक इन्वेंशन था कंप्यूटर का, चार्ल्स बैगेज वाला क्वेश्चन, तो वो सर वो कहाँ मिला पता नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन तो सर वो फिर साइंस के टर्म्स के क्वेश्चन. तो सर आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका एक टेम्परामेंट बन जाता है सर, कि जैसे समझो सपोज आपके कुछ क्वेश्चन राइट हो रहे, कुछ रॉन्ग भी हो रहे ना, तो लेकिन आप उसका ध्यान उसमें नहीं जाएगा, लेकिन आप नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, एक रिदम बना रहेगा सर, वो ब्रेक नहीं होगा. तो सर एग्जामिनर होता है वो कुछ कुछ जंबल क्वेश्चन होते हैं सर, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन दे दिए तो फिर दूसरे कोई लीगल के आगेंगे, तो इस दिक्कत में तो ये चीज थोड़ी हेल्प कर दी है सर उसमें. तो सर एग्जाम के दिन तो काफी हेल्प हुआ था इस स्ट्रेटेजी बनाने. और इस बार जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने एक चीज फेस करी थी, दैट वाज टेक्निकल ग्लिचेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था? नहीं सर, हमारा एकदम लास्ट में हुआ था, वो भी 5-10 मिनट्स के लिए हुआ था, लेकिन वो बाकी वो टाइम कोप अप हो गया था सर. ओके, सो यू आर फ्रॉम फ्यू लकी वंस जिनके साथ में कोई एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई थी. ठीक है, लेकिन इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहता, बहुत लोगों के एग्जाम भी इस चीज से अफेक्ट हुए थे, तो वो कंपोजर, काम कंपोजर भी बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो विद दैट, व्हाट विल बी योर टिप्स फॉर द 23 एंड 24 के एस्पिरेंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन? सर बेसिकली पहला तो टिप्स ये रहेगा कि जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना हो सके. और सर दूसरा, मैंने ना सर प्रिपरेशन के वक्त मैंने हैबिट डाली थी रीडिंग की सर, न्यूज़पेपर तो मैं द हिंदू फॉलो करता था, उससे मेरी वोकैबुलरी भी काफ़ी इंप्रूव हुई थी सर. तो एडिटोरियल का पार्ट ना सर, वो काफ़ी मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी हेल्प किया था सर, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो 50 मार्क्स का तो आपका इंग्लिश ही आता है, उसमें से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी वेटेज लेता है, तो वो आप स्किप नहीं कर सकते, वो काफी फ्रूट मतलब अगर आप वो छोड़ के जाते हो ना सर तो वो दिक्कत हो जाएगी. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टरी वो होनी चाहिए, और वो जो रीडिंग स्किल है ना सर, आपको लीगल रीजनिंग में भी हेल्प करे, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पैसेजेस दिए जाते हैं, क्वेश्चन उसके नीचे आते हैं, तो वो वाला एक रीडिंग की हैबिट डालना सर,
और दूसरा सर वही है कि मतलब जितना हो सके अपना 110% देने के लिए, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिलता ना अच्छा सर तो रिग्रेट होता है सर, और फिर वो रिग्रेट 1 ईयर का रहता है सर, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट को पूरा एक ड्यूरेशन का टाइम रहता है। ओके सो ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो एक न्यूज़पेपर रीडिंग वाला हैबिट है दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट कि कोशिश करो कि वो एडिटोरियल्स पढ़ो, वेदर इट्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, तो कहीं ना कहीं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्हीं एडिटोरियल से भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले रीजनिंग में क्वेश्चन रहते हैं वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए दिस एडिटोरियल्स हेल्प्स अ लॉट, जो कि कहीं ना कहीं प्रमोद की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। So with that, Pramod, thank you so much for giving us this precious time of you. कि जिसे next year के aspirant को कहीं ना कहीं एक guidance मिलेगा, बहुत important thing जो Pramod के साथ conversation में बहुत important thing आई, वो वही उनकी 3 pillar strategy होती, जो कि read, revise and practice. We say कि practice make man perfect. ठीक है, सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जितना ज्यादा हम करेंगे प्रमोद के साथ में, बिफोर दिस रिकॉर्डिंग आल्सो प्रमोद टोल्ड कि उस तरीके से वो माइंडसेट बन जाता है जब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन जितने ज्यादा मॉक्स लगाते हो, दिस इज हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स प्रमोद, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।